अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। और आज मैं आपको हमारा जो ब्लू मास लव बर्ड का पेयर है उसने भी ब्रीड कर दी थी, उसकी मैं आज आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। और उसके अलावा कुछ मेरी वीडियोस थी वो मैंने सारी बना के रखी हुई थी लेकिन वो नहीं अपलोड हो सकी। वो क्या हुआ कि जी वो करप्ट हो गई फाइल जो थी, तो वो सारी ना उसमें क्या इशू क्या आ रहा था उसमें साउंड का, साउंड आगे चल रहा है तो वीडियो पीछे हो गई, इस तरह का ना इशू आ गया था। वो वीडियो बहुत बेकार थी तो वो तो अपलोड नहीं होगी। लेकिन अब ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना दोबारा। तो मैं आज आपको अपने जो लव ब्लू मास्क का पेयर है उसकी आपको दिखाता हूँ प्रोग्रेस, क्या सीन सो क्या सूरत हाल चल रही है। एक मिनट पहले दरवाज़ा बंद कर दूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने पेयर लगाया हुआ है इस केज में, ये वाले पोर्शन में। बाकी कॉकटेल का सारे लगे हुए हैं इधर और यहाँ पे भी, वो आगे रिंगनेक का केज पड़ा हुआ है। अभी हम इस पे आए तो इसको मैंने बॉक्स तकरीबन अक्टूबर में लगाया, डेट मेरे ख्याल अपनी जो बुक है उस पर मैंशन की हुई है। बाकी इसकी ना मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैंने ना इसके एग्स की जो डेट थी ना वो मैंने ये बनाया हुआ था। डेट लिख दूंगा इधर, हैच का वो होएगा वो लिख दूंगा, बाकी इनफर्टाइल और चिक्स कितने आए टोटल, इस तरह का मैंने एक बनाया हुआ था। सबका बनाया हुआ है, कॉकटेल के जो थे मेरे ख्याल इनके भी चिक्स वगैरह निकल आए हैं। इसके 5 अंडे थे वो भी मैंने नहीं लिखे, यहाँ मेंशन नहीं किए, लेकिन वैसे भी वो मेरी जो डायरी इनकी जो एक स्पेशल बुक बनी हुई है उस पर है, उस पर सार सब कुछ मेंशन है। सिर्फ इसका रिकॉर्ड नहीं है, जो हमारा ब्लू मास का पेयर है ना इसका रिकॉर्ड नहीं है, बाकी सारे कॉकटेल्स का रिकॉर्ड है। कॉकटेल्स की भी इंशाल्लाह ताला इनकी भी मैं आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा। इनके भी माशाल्लाह चिक्स वगैरह जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। बस कुछ पेयर हैं जो अभी भी नहीं चले, उनका कुछ में मसला आ रहा था, कुछ का मेरा ख्याल मूड नहीं है ब्रीड करने का। बाकी तो माशाल्लाह कुछ नए पेयर्स थे वो भी। अभी मैं आपको अपने जो ब्लू मास्क का पेयर दिखाऊँ तो जी अभी बाहर आया हुआ था, मुझे देख के अंदर चला गया। ये हमेशा पहले ज़रा एक दफ़ा क्या किया करें, जब भी आपने कोई भी बॉक्स खोलना है, रिंगनेक का हो, कॉकटेल का हो, बजीज का, आपने एक दफ़ा ना खड़का लें ताकि जो अंदर बर्ड्स हैं ना हमारे उनको पता लगे कि हमारा ना बॉक्स खुलने लगा है। तो आराम से अच्छा इन्होंने चेक करें, इन्होंने अपना यहाँ से ये अंदर आने का रास्ता ये है जी, पहले तो वो है ना मेन हॉल, वहाँ से जी यहाँ आना है, यहाँ से फिर घूम कर नीचे जाना है। और अंडे इन्होंने कहा वो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने हैं, 1 2 3 4, ओए मारी फीमेल में एग्रेसिव हुई हुई है। मैंने बॉक्स भी बड़े अरसे बाद खोला और इसका मैंने रिकॉर्ड भी नहीं रखा, ऊपर से मुझे पता ही नहीं है कि जी कौन सा अंडा किस दिन उसने ले किया था। फिलहाल माशाल्लाह 4 eggs दे दिए इन्होंने। मैं आपको पेयर अगर दिखाऊँ तो जी अगर आप बुरा ना मनाएं काटे ना तो अपनी शक्ल दिखा सकते हैं, थोड़ा सा इधर हो जाओ, पेयर नहीं हो रहा जी इधर बिल्कुल भी, इनकी नेस्टिंग थोड़ी सी हिलानी पड़ेगी मैं आपको। बहरहाल मैं नहीं चाह, मैं इनको और तंग नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता कहीं अपने अंडे ही बाहर उठा के मार दें, और इससे अच्छा इनका जिस तरह पहले था वैसे ही करके। तो अंडे जा रहे हैं माशाल्लाह से, शायद एक और दे दे, तेल बाहर आ गया, फीमेल अंदर ही बैठी हुई है। लो जी वो भी गए अंदर, अभी हैं बहरहाल, ये मेल है हमारा, फीमेल अंदर ही बैठी हुई है, ये आ गया। और इनका जो, हाँ बस मुझसे ये एक गलती हुई है कि जो इनका मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा, इनका मुझे पता नहीं, वो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था इसी वजह से, वो पिछली वीडियोस भी कोई है वो भी पेंडिंग पे पड़ी हुई हैं, वो करप्ट भी हो गई थी वो भी डिलीट कर दी। तो बाकी इनकी इंशाल्लाह ताला आप जब इनके चिक्स निकलेंगे वो वीडियो भी मैं लाजमी शेयर करूँगा। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।